वेलकम एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स के बारे में, वहीं पे बताने वाला हूँ कि आरसीबी के बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक लेफ्ट आर्म पेसर की ज़रूरत है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा होगा, आरसीबी की बैटिंग तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उनकी बॉलिंग कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही थी। आप लोगों ने लास्ट के गुजरात टाइटन्स के मैच में देखा होगा, उन्होंने 200 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे, बल्कि उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। तो मैं बताने वाला हूँ कि आरसीबी ट्रेंट बोल्ट, जी हाँ ट्रेंट बोल्ट को टारगेट कर सकती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ट्रेंट बोल्ट अभी फिलहाल आप लोगों को राजस्थान की टीम में देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान टीम किसी ना किसी बड़े प्लेयर को टारगेट करने के बारे में सोची कि मेरे हिसाब से वो ट्रेंट बोल्ट को रिलीज करेंगे या फिर ट्रेड विंडो के लिए ओपन करेंगे, तो वहीं पे आरसीबी टीम उन्हें ट्रेड करवा सकती है। देखिए, आपके पास पर्स तो रहेगा, आप हर्षद पटेल को रिलीज कर दोगे, दिनेश कार्तिक को रिलीज कर दोगे, तो आपके पास बजट हो जाएगा कि आप ट्रेंट बोल्ट को तो आराम से अपनी टीम में ट्रेड करवा सकते हो। देखिए, आपकी टीम में आते तो आपकी टीम में लेफ्ट आर्म पेसर की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो भी लेफ्ट आर्म पेसर है उनका नाम निकल के आता है ऋषभ टोपली, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन बॉलर है। इंग्लैंड के लिए भी वो काफ़ी लंबी समय इंजरी की वजह से बाहर रहते थे, वहीं पे आपके लिए तो फर्स्ट मैच खेलते ही वो बाहर हो गए थे, और वहीं पे आपके पास दूसरे जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं उनका नाम निकल के आता है डेविड विली और वेन पार्लिन। तो मेरे हिसाब से उन दोनों की जगह फिलहाल आपकी स्क्वाड में नहीं बनती, क्योंकि उनके पास ना ही इतना ज़्यादा पेस है, वहीं पर उनकी उम्र भी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो उन दोनों को भी आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, उनकी जगह पर आप ट्रेंट बोल्ट को टारगेट करिए, जो कि पावर प्ले में आपको कम से कम दो विकेट तो निकाल के देंगे। वहीं पर आपके पास ऑलरेडी मोहम्मद सिराज है, वहीं पर आप मिचेल स्टार्क को भी अपनी टीम में ले आते हो, तो आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। फिर आपके पास हेजल बुड भी हैं, आप उन्हें ऐसा बैकअप ले सकते हो ट्रेंट बोल्ट के। तो मेरे हिसाब से आरसीबी को टारगेट करती हुई नजर आएगी ट्रेंट विंडो में ट्रेंट बोल्ट को। ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोग इस वीडियो बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर किसी और अनदर टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट से बता देना, मैं उस टॉपिक वीडियो कवर कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।